गोवर्धन की कथा तो सभी ने सुनी होगी। गोवर्धन पर्वत मथुरा में स्थित है और गोवर्धन पर्वत को गिरिराज जी भी कहा जाता है और माना जाता है कि पर्वत की परिक्रमा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सच्चे मन से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने पर आपके जीवन के सारे दुख दूर होते हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करना श्री कृष्ण और गिरिराज जी के प्रति हमारे प्रेम और श्रद्धा को तो दर्शाता ही है, लेकिन परिक्रमा का अर्थ क्या होता है? जब हमें किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करना होता है तब उस चीज को बीच में रखा जाता है और वही हमारा केंद्र होता है। इसी तरह जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तब उन्हें केंद्र मानकर उनकी परिक्रमा की जाती है, जिसके कारण हमारा सारा ध्यान पर्वत पर केंद्रित हो जाता है, जिससे हमारी मानसिक वृत्ति उसमें समा जाती है। वहीं ये भी कहा जाता है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके आसपास घूमना हमें अच्छा लगता है, हमारे हृदय को खुशी होती है। उसी प्रकार हम गोवर्धन पर्वत के आसपास घूमकर श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हैं। और चूंकि गोवर्धन पर्वत के आसपास की भूमि ब्रजभूमि है, जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की हैं, श्री कृष्ण यहाँ हर जगह घूमे हैं, इसलिए हम भी गिरिराज जी के चारों ओर घूमकर उन सभी चीजों को अपने अंदर महसूस करते हैं। इसलिए हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और सात कोस की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। आप सभी को दखल परिवार की ओर से दीपोत्सव, दीपावली और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए दखल न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।